हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स। इसका हम बेसिक्स करेंगे आज, ठीक है। तो जिसने एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो नहीं देखी ना, सबसे पहले आप जाके 5.1 की वीडियो देखो ताकि आपको 5.2 अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब इसमें बच्चों आप सबसे पहले पढ़ोगे आर्गन प्लेन, ARGAND, आर्गन प्लेन, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों, इस आर्गन प्लेन में क्या होगा, इस आर्गन प्लेन में ना सिंपल आपने वैल्यूज प्लॉटिंग करनी है, ठीक है ना। वो वैल्यूज प्लॉटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, आर्गन प्लेन करने से पहले आपको ना कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, 10th तक आपने यही वाला प्लेन पढ़ा है, आर्गन प्लेन आप +1 में पढ़ोगे अभी। बट कार्टेशियन प्लेन देखो क्या होता था, इसमें बच्चों दो एक्सिस होती थी ना, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते थे, और एक बच्चों होती थी हमारे पास वर्टिकल लाइन जिसे हम क्या बोलते थे, वाई एक्सिस बोलते थे, राइट। बीच में ओरिजन होता था ओ। अब मान लो मुझे किसी भी वैल्यू को ना प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। मान लो मेरे को प्लॉट करना है 2 और 6 को, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखते थे ना, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3, इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। अब मुझे 2 और 6 को प्लॉट करना है। ब्रैकेट में बच्चों पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है बच्चों, वाई की। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 2, तो एक्स 2 ये रहा। वाई की वैल्यू क्या है, 6, तो वाई 6 ये रहा। ये देखो सर, ये एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, ये हमारा हो गया ना प्लॉट। मान लो आपके पास आता 2 और -3, मान लो आता 3 और -3, ये वाला आपका डिसीजन आता, तो बच्चों ये रहा 3, वाई की वैल्यू पीछे वाला -3 है ना, तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे इधर ये यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब कि 0 के इधर प्लस वाले एक्स एक्सिस के, 0 के इधर माइनस में एक्स एक्सिस के, 0 के ऊपर प्लस की वाई एक्सिस, 0 के नीचे नेगेटिव की वाई एक्सिस, वाई डैश और ये एक्स डैश, समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो आर्गन प्लेन क्या होगा, आर्गन प्लेन में भी ना सिंपल इसी तरह से ही होगा, दो एक्सिस होंगी, ठीक है ना। बट इसमें आपने क्या करोगे, देखो इसमें जो एक्स एक्सिस होगी ना उसे हम कहेंगे रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या कहेंगे बच्चों, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होगी उसे हम बोलेंगे बच्चों इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। आया समझ में। आर्गन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होंगी, बट एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोल लेंगे, इसमें रियल वैल्यू पुट करेंगे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। वाई एक्सिस में को क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी, इसमें हम इमेजिनरी नंबर पुट करेंगे। मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू +3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इज इक्वल टू +3i में बताओ बच्चों रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। हमें पता है रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इसके साथ आयोटा नहीं है ना, तो ये रियल है। यहाँ पे लिखोगे रियल पार्ट इन जेड इज इक्वल टू 2। अब इमेजिनरी कौन सा है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट नॉट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट बच्चों 3 है, जो आयोटा के साथ लगा हो ना वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल में आपने सिर्फ वो वाला नंबर लिखना है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी में आयोटा के आगे वाला नंबर, आयोटा नहीं लिखना हमने, ठीक है ना। अब देखो आर्गन प्लेन में हमें पता लग गया कि जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपके पास प्लॉटिंग अब हम कैसे करेंगे, देखो उसी तरह से ही हम ये एक्स एक्सिस बना रहे हैं मतलब कि रियल एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम वाई एक्सिस बना रहे हैं मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस बना रहे हैं, मतलब कि इमेजिनरी की वैल्यूज वाई एक्सिस पे आएंगी और रियल की वैल्यू बच्चों एक्स एक्सिस पे आएंगी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में बच्चों रियल की वैल्यूज आएंगी। अब मान लो मुझे इस इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, दोनों पॉइंट्स कहाँ से आए, कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हैं। देखो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट होते थे ना, आर्गन प्लेन में आपके पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, ठीक है ना, तो ही आपका आर्गन प्लेन बनेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे 0 1 2 3 वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी जैसे आपकी कार्टेशियन प्लेन में होती हैं। अब इसमें प्लॉटिंग करो, देखो रियल वैल्यू 2 है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल वैल्यू 2, ये रियल मतलब एक्स एक्सिस पे 2 है, ये एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखो ये एक्स की वैल्यू 2। फिर इमेजिनरी इन जेड मतलब कि जेड में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है ना, 3 इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कि बच्चों देखो ध्यान से वाई एक्सिस, इमेजिनरी को वाई कहते हैं ना, तो आपका जो 3 है वो वाई एक्सिस पे आएगा, ये रही वाई एक्सिस, ये रहा 3, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर आप प्लॉट कर दीजिए, ये रहा एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये हो गया हमारा प्लॉट। बच्चों कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो रियल वैल्यू होगी ना वो आपने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेनी है, और जो इमेजिनरी वैल्यू आपने वाई एक्सिस के अलोंग लेनी है, ठीक है ना, बस इसमें आपने इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ पर भी हमने, मैंने 2 और 3 को अगर प्लॉट करता,
तो टू का आना था, ये रहा टू थ्री का आना था, ये रहा थ्री, सेम ही तो है दोनों, बट ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आर्गन प्लेन के थ्रू मैंने प्लॉटिंग की है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, जो इमेजिनरी होगा बच्चों वो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है ना। मान लो एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, जेड इज इक्वल टू -2 + 3 iota। अच्छा बताओ रियल की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट इन जेड ये -2, इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों जेड में, ये 3, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसको प्लॉट कर दो। रियल पार्ट मतलब कि एक्स की वैल्यू, इमेजिनरी मतलब वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 तो एक्स की वैल्यू माइनस में यहाँ मिलेगी। इमेजिनरी 3 है तो ये रहा इमेजिनरी 3 बच्चों, यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू 3, आ रहा है ना समझ में, देखो कितने इजी है ये, ठीक है। आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस तरह से, आर्गन प्लेन कहते हैं हम। कार्टेशियन प्लेन में बच्चों हम कोऑर्डिनेट्स को करते थे, ठीक है ना। बस इसमें यही है आपका कि आर्गन प्लेन में जो रियल है वो एक्स की वैल्यू होगी, जो इमेजिनरी है बच्चों वो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स जो कि आर्गन प्लेन से कुछ मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। अब देखो हमने आर्गन प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना प्लॉट कर दिया था, यहाँ पर किया था ना प्लॉट। अब देखो जब हमने इसको प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ मिले है ना, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3। अब इस कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन से जितना दूरी है ना, इस कोऑर्डिनेट्स का और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे बच्चों आर। क्या बोलेंगे, आर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आर होता क्या है, इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है, वो मैं आपको जब आप इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आप ये समझो कि आर्गन प्लेन में ओरिजन और जो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिले हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर होगा, इन दोनों की दूरी, ठीक है ना, कि ये कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट इस ओरिजिन से कितना दूर है। अब मान लो ये भी तो है ना, ये भी हमने प्लॉट किए थे, तो इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। आ गया ना समझ में, आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है ना, रियल और इमेजिनरी, ये रियल। अब देखो जैसे हमारे पास ब्रैकेट होती थी उसमें पहली वैल्यू एक्स की होती थी, दूसरी वैल्यू वाई की होती थी, उसी तरह आर्गन प्लेन में बच्चों पहली वैल्यू रियल की होगी और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी की होगी, और रियल मतलब एक्स, इमेजिनरी मतलब वाई, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आर निकालने का ना फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। तो देखो हमें पता लग गया आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो जो कोऑर्डिनेट्स और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस था, मान लो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ आया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब आर होता है बच्चों हमारा मॉडुलस, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो रियल पार्ट है ना इसका स्क्वायर कर दो, प्लस में जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के आगे वाला होता है ना, उसका स्क्वायर कर दो और इसका बच्चों रूट कर दो, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, देखो हमने डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस है ना आपका 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूले में आया हुआ है। ये देखो हमें पता है ये ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स बच्चों 0 0 होते हैं ना, यहाँ पे ये कोई रियल पार्ट है और कोई इमेजिनरी पार्ट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आए हैं। अब इन दोनों बीच की दूरी कैसे निकलेगी, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, हाँ इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होते हैं, ये आप लिखना मत, बस आप वैसे समझ लो कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर और इसका रूट। अब x2 क्या है, x है, x1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, y है, y1 क्या है, 0 है, ये रहा y1, इसका रूट। तो x में से 0 गया x, ऊपर x का स्क्वायर, y में से 0 गया y, ऊपर y का स्क्वायर। देखो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, r का, इन दोनों के बीच को हमने r का नेम दे दिया, r इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का रूट। तो बच्चों आपने फॉर्मूला याद रखना है, r निकालने का आपके पूरी एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा ही होगा ये, कि r मॉडुलस किसके इक्वल होता है बच्चों, x² + y² के रूट के, और इसमें x क्या है, x है बच्चों रियल पार्ट, और वाई क्या है बच्चों, वाई है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि ये बिना आयोटा वाला और ये आयोटा के साथ वाला जो भी लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। एक्स रियल एक्सिस होती है, वाई हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है, तो एक्स यहाँ पे रियल पार्ट होगा और वाई यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 3 4 बार आप इसको अच्छे से समझ लो, आपको अपने आप माइंड में ही रहेगा ये, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू 2 + 3 iota, क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मॉडुलस निकालो, आर निकालो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स प्लस में वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे ना। तो एक्स क्या होता है रियल वाला पार्ट, ये रहा रियल बिना आयोटा वाला, इसका स्क्वायर करो। वाई क्या होता है बच्चों आयोटा के आगे वाला 3 है ना, तो उसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और उसका रूट देखो बच्चों √13 के आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना।
आर आ गया, मॉडुलस आ गया। तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। -1 प्लस में 3 iota का आप आर निकाल लो, ठीक है, -2 -3 iota का निकाल लो, ठीक है ना। और आप निकालना बच्चों 4 प्लस में 9 iota का, ठीक है, और लास्ट है -4 प्लस में √10 iota, ठीक है बच्चों। इनके आपको आर निकालने हैं, आर मतलब कि मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकलेगा बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो हम बच्चों हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसपे आपके 5.2 बेस्ड है, वो है बच्चों पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसके बारे में अभी आप समझोगे। देखो मान लो मेरे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। देखो 5.1 में तो सर आपने बताया ना जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा वाई, वो कोई ज्यादा इशू नहीं है। एक की जगह एक्स आ गया, बी की जगह वाई आ गया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर वही होता है जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, ठीक है ना। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना, इस कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना किसमें, आर और थीटा की फॉर्म में। जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना, वो हमारी फॉर्म कहलाती है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मान लो मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने आर और थीटा की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो वो आर और थीटा की फॉर्म क्या है, मान लो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई है। इसमें मैंने जेड को क्या बना दिया, आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, मैंने बच्चों इसकी फॉर्म में लिख दिया। जब मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर को इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, तब जो मेरी ये वाली फॉर्म कहलाएगी ना, क्या कहलाएगी बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी, पोलर फॉर्म कहलाएगी, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। मान लो मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3 iota, इसको मैं चेंज कर दूं आर और थीटा की फॉर्म में, तो वो जो आर और थीटा की फॉर्म में जो मेरा आंसर आएगा ना, वो क्या कहलाएगा बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। देखो आर के बारे में तो आपको पता है ना, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर और इसका रूट। थीटा के बारे में नहीं पता बच्चों आपको, थीटा मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। अब आर को तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस, ये तो मैंने बता दिया था। थीटा को हम बोलते हैं बच्चों आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में जल्दी सीख जाओगे। तो अभी तक बच्चों आपको क्या पता लगा है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में लेके आना, देखो ये रहा आर, ये रहा थीटा, ये रहा आर, ये रहा थीटा, ठीक है ना। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में लेके आना क्या कहलाता है बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं कोई भी इसके बेस्ड पे, ठीक है, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस में √3 iota, कह रहा है इसके ना पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करो, तो हम कर देते हैं फाइंड, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हमें पता है हमने इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। देखो आर चाहिए ना, आर क्या होता है, मॉडुलस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और इसका रूट। अब एक्स मैंने बताया था क्या होती है, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू क्या है, 1 है। y क्या होती है, आयोटा के आगे वाला, आयोटा के आगे वाला बच्चों हमारे पास √3 है और इसका स्क्वेयर। अब देखो 1 का स्क्वेयर 1, स्क्वेयर से रूट कट 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो मेरे पास r की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो क्या आ गई, 2 आ गई। आई बात समझ में? देखो r तो निकल गया, r तो बच्चों कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सारे ही निकाल लेते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को थीटा में, तो थीटा बच्चों आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। थीटा वाला प्रोसेस अगर आपको एक बार ही में समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इसको कम से कम 2 या 3 बार वीडियो रिपीट करके देखो, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो पहली बार होता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, नई चीज है, ठीक है ना, कि थीटा कैसे निकलेगा पोलर रिप्रेजेंटेशन में, तो आपके माइंड में कई बार बात नहीं जाती। तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो पूरा ध्यान लगा के, ठीक है ना। इधर उधर ध्यान मत देना, पूरा वीडियो की तरफ ध्यान देना, अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखना, नोट करते रहना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा थीटा निकालने का प्रोसेस, ठीक है ना। मैं अभी आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो देखो आर आपको निकालना आ गया, अब हम निकालते हैं बच्चों थीटा, ठीक है ना। प्रोसेस टू फाइंड थीटा। अब देखो थीटा निकालने का क्या प्रोसेस है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बच्चों। थीटा निकालने के लिए ना, थीटा निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। अब अल्फा क्या है सर, देखते हैं अल्फा क्या। मैंने क्या कहा अभी कि थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉडुलस मोड। अब ये जो दो डंडे लगाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
इस दो डंडों के अंदर जब आप इसको सोल्व करोगे, अगर आपको इसकी माइनस की वैल्यू आ जाती है ना, आप इनको हटा दो, वो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जैसे कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -3 का मोड क्या हो जाएगा, +3। जब आपने दो डंडे हटा दिए, -2 का मोड +2, ठीक है ना। ये जो दो लाइनें लगाई ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। बस इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना, इस तरह से आपने प्लस में लिख देनी है। ये दो डंडे हटा दो, दो डंडे के माइनस को खा जाएंगे और प्लस की वैल्यू रह जाएगी। टेन इनवर्स क्या होता है ये मैं आपको भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको आगे करेंगे ना, तब थीटा निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। इतना तो आपको पता लग गया कि अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब बच्चों वाई और एक्स की वैल्यू तो हमें पता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। एक्स और वाई यहाँ भी तो पुट किया था ना, तो यहाँ भी पुट करो। देखो टेन इनवर्स वाई, वाई क्या होता है, आयोटा के आगे वाला √3। नीचे एक्स, एक्स क्या है बच्चों, वन है, तो ये रहा वन, ठीक है ना। अब देखो टेन इनवर्स √3 को सोल्व कैसे करते हैं, मैं आपको ना क्वेश्चन में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि अभी बताया तो बच्चों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना 5.2 के, तब आपको बताऊंगा टेन इनवर्स √3 सोल्व कैसे करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सोल्व करने पे ना π/3 आएगा, ये याद रखना। इस चीज को सोल्व करने पे ना, टेन इनवर्स √3 को सोल्व करने पे बच्चों π/3 आएगा, ये चीज याद रखना। और ये आया कैसे बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर ने छुड़वा दिया, नहीं। एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना। टेन इनवर्स √3 का मोड क्या होता है, π/3 होता है, और ये आया कैसे मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना, अगली वीडियो में जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तब, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप ये मान लो कि इसकी वैल्यू ना π/3 के इक्वल होती है, ठीक है ना, और ये होता भी π/3 के इक्वल है। थीटा निकालने के लिए पहले आपको अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। वाई की वैल्यू हमने फॉर्मूले में से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में रहा √3, नीचे एक्स है तो वन, अभी तो प्लस में ही है ना, तो इसका ये मोड हटाओ। अब ये ऐसे ये वैसा का वैसा रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3। आया समझ में। अब देखो टेन इनवर्स √3 में देखो, इसको जब मैंने सोल्व किया ना, ये सोल्व होके π/3 देगा। ये कैसे देगा मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों हमारा अल्फा जो है ना वो π/3 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चों को हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं ना उसमें जाना है। देखो हमारे टोटली बच्चों कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना तब, तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये बच्चों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 1 + 3 i, 1 + 3 i। देखो जेड इज इक्वल टू 1 + √3 i, ये दिया हुआ है। देखो रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू पॉजिटिव है, इमेजिनरी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। रियल वैल्यू की हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू। वैल्यू मतलब कि आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख लो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कहाँ आता है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स प्लस के आते हैं, ऊपर वाई प्लस के आते हैं, नीचे वाई नेगेटिव और यहाँ पे एक्स नेगेटिव। देखिए इस ओरिजिन के इधर एक्स की वैल्यू प्लस की है ना, और एक्स की वैल्यू प्लस की कहाँ होती है, इधर ही तो होती है, एक्स इधर 0 के राइट हैंड साइड में, 1 2 3 4 है ना, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन। और वाई की वैल्यू भी प्लस, वाई की वैल्यू ये वाई एक्सिस है ना, वाई की वैल्यू प्लस कहाँ होती है, यहाँ 0 के ऊपर, मतलब कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो इधर इसके इधर लाई कर रहा है बच्चों। एक्स की वैल्यू प्लस यहाँ आएगी, वाई की वैल्यू प्लस यहाँ आएगी, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई करेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करना है पता लग गया ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें रियल वैल्यू देखो प्लस की है तो ये रहा एक्स एक्सिस प्लस, इमेजिनरी प्लस की है तो ये रहा इमेजिनरी वाई एक्सिस प्लस, मतलब कि आपके इस साइड लाई करेंगे, ठीक है ना। इस साइड लाई करते हो तो बच्चों एक्स नेगेटिव आता है, वाई प्लस आता है, बट यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस दोनों ही प्लस के है ना, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये याद रखना। अब देखो बच्चों जब भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आए ना, तो आपका थीटा हमेशा अल्फा के इक्वल होता है। जब भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आए, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो ना, आपका हमेशा थीटा अल्फा के इक्वल होगा। अब हमारा अल्फा क्या आया था, अल्फा आया था बच्चों π/3। तो हमें पता है कि एज जेड इज इक्वल टू 1 + √3 i लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। क्या होगा बच्चों, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, कि जो अल्फा है ना वही हमारा थीटा होता है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3 है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दो π/3, ये हमारा थीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, अगर सेकंड में आ जाए, थर्ड फोर्थ में आ जाए, तब हम क्या करेंगे। अगर आपका देखो
ये ऊपर प्लस की वैल्यूज होती है, इसके नीचे नेगेटिव की वैल्यू होती है। अब थीटा पहले में थीटा अल्फा गया ना, चौथे में इसका उल्टा हो जाएगा, चौथे में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस अल्फा का, क्योंकि इसके नीचे देखो ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, पहले में थीटा अल्फा का, चौथे में थीटा माइनस अल्फा का, ये चीज याद रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अल्फा और माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करे ना, तो थीटा आपका हो जाएगा पाई माइनस में अल्फा का, क्या आप उस अल्फा को ना पाई में से माइनस कर देना, आपके पास थीटा आ जाएगा। फिर ये नीचे वन सेकेंड और थर्ड एक दूसरे को उल्टा होते हैं ना, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर फिर ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा के आगे माइनस लगा, उस तरह पाई माइनस अल्फा के आगे भी यहाँ पे माइनस लग गया। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो बहुत ईजी है ये, बस आपने ये देखना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है और कैसे लाई कर रहा है। देखिए मान लो मैं आपको कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस में रूट थ्री आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, ये वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, तो ढूंढो एक्स की वैल्यू नेगेटिव ये रही, वाई की वैल्यू पॉजिटिव ये रही, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहा। तब आपका थीटा कैसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा, तब आप थीटा लिखोगे इक्वल पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस क्या करोगे अल्फा, अल्फा आपका क्या आया था पाई बाय थ्री, आप इसके नीचे वन लेके एलसीएम लोगे। ठीक है, इसको सोल्व करके तो थ्री पाई माइनस पाई थीटा क्या आ जाएगा, टू पाई बाय में थ्री, इस तरह से आपका थीटा आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा ना आपने, उसको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर देख के, दोनों प्लस के तो पहले में, एक्स माइनस वाई प्लस है तो सेकंड में, एक्स माइनस वाई नेगेटिव है तो बच्चों थर्ड में, और एक्स प्लस वाई नेगेटिव है तो बच्चों फोर्थ में, याद रह जाएगा ना आपको। ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ और कब कैसे लाई करेगा। ठीक है, मान लो आपका थर्ड में लाई करता, तो आप थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर फिर ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा करते। ठीक है ना, माइनस बाहर रखो, फिर पाई माइनस अल्फा क्या था, पाई बाय थ्री आया था। मैं मान रहा हूँ अल्फा हर केस में पाई बाय थ्री, हर केस में पाई बाय थ्री नहीं आता। फिर माइनस बार इसके नीचे वन लेके टू पाई बाय थ्री, तो हमारा थीटा क्या आना था, माइनस का टू पाई अपॉन में थ्री आना था। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? तो यही है बस बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है, बस देखो आर निकालना सबको आता है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। थीटा निकालने का प्रोसेस क्या है, थीटा निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है ना, अब देखो वाई और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ये वाई ये एक्स रूट थ्री बाई वन। अब यहाँ पर जो टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू होती है ना पाई बाय थ्री होती है, कैसे होती है मैं आपको ना जब एक्सरसाइज करेंगे तब समझाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाय थ्री होता क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है ना, अब ये अभी के लिए आप ये मान लो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान में रखो। तो अल्फा हमारा पाई बाय थ्री आ गया, जब आपके पास अल्फा आ जाए ना, तब थीटा निकालने का क्या प्रोसेस रहता है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पहले में लाई कर रहा है, तो पहले में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड में लाई करता हूँ सेकंड में आपका जो थीटा वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड में करता हूँ तो थीटा आपका माइनस में फिर पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, फोर्थ में करता हूँ बच्चा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। अब अगर फर्स्ट में कर रहा है ना, तो आपका जो वैल्यू थीटा की है वही वैल्यू आपकी अल्फा की है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, देखो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया बच्चों, आपका पाई अपॉन में थ्री आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका थीटा आ गया। अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखना था ना, हमें पता है हमारा आर क्या आ चुका है टू, थीटा क्या आ चुका है पाई अपॉन में थ्री, तो लिख दो बच्चों जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है टू, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय थ्री, आर की वैल्यू क्या है टू, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय थ्री। ये बच्चों हमारा आंसर है, अगले स्टेप में चाहे आप टू कॉमन ले लो, क्योंकि टू इधर भी है, तो कोस पाई बाय थ्री प्लस में आयोटा साइन पाई बाय थ्री, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर आपने जिस बच्चे ने मेरी बेसिक्स की ये वाली वीडियो अच्छे से समझ ली ना, उसके लिए 5.2 कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपकी 5.2 चुटकियों में हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको मजा भी बहुत आएगा 5.2 करने में। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना 5.2 का बेसिक्स समझो अच्छे से। ठीक है, जिसने ये वाली बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से समझ ली ना, 5.2 वो बहुत अच्छे से कर जाएगा वो बच्चा। ठीक है ना, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों वीडियो को रिपीट कर करके देखो। आर मॉडुलस होता है और थीटा हमारे पास आर्गुमेंट होता है। ठीक है ना, आप ये सारी की सारी चीजें रिपीट कर करके देखो, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये सारी की सारी चीजें, और कभी भी भूलो मत आप। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को अच्छे से रिपीट करना है। फिर भी अगर आपके डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है ना, मैं आपको वहां पे आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू सो मच।